वेलकम टू मटंगा हिल हम्पी। ये मटंगा हिल बहुत फेमस है हाइकिंग के लिए। लोग यहाँ पे आते हैं हाइकिंग करने, और ये ऊपर आप देख सकते हैं जो माउंटेन है वहाँ तक हाइक करके जाते हैं। और इसको अराउंड 1 घंटा लग जाता है यहाँ से एंट्रेंस से। मटंगा हिल जो है वो विरूपक्षा टेम्पल के ऑपोजिट है, अराउंड 1 किलोमीटर। तो आप वहाँ से पैदल जा सकते हैं, कोई कन्वीनस या कोई व्हीकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मटंगा हिल की रामायण से रिलेटेड हिस्ट्री है। कहते हैं यहाँ पे वली और सुग्रीव का बैटल हुआ था फॉर द टाइटल ऑफ किंग ऑफ मंकीज, जो सुग्रीव ने जीता था और यही उनका किंगडम हुआ करता था। ये बहुत पुरानी बात है और एकदम ये हम्पी रुइंस इसको इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सब अब टूट चुका है, ख़राब हो चुका है, बट फिर भी बहुत ब्यूटीफुल है ये प्लेस। आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके 50 रुपीज़ के नोट के पीछे जो मॉन्यूमेंट बना हुआ है वो यहाँ हम्पी में ही है। वो तो वो यहाँ पे मटंगा हिल में कोई टूरिस्ट पॉइंट है, तो बाकी तो सब रॉ है। आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा लोग हैं नहीं आसपास, बट आपको ये हाइक करके जाना पड़ता है वहाँ तक। हम जा रहे हैं वहाँ पे, उससे पहले जो जो बीच में आएगा आपको दिखाऊंगा। ये भी हम्पी के रुइंस ही हैं और ये मटंगा हिल के अंदर ही हैं अभी हम। ये एक पहाड़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग जाते हैं। जैसे क्लासिक जी तो हमारे घर के पास ही थी, है ना? हाँ, ये असली रुइंस है। वैसे पर्सनली मुझसे पूछो तो इसको घूमने के लिए आपको पूरा दिन ऑलमोस्ट चाहिए, पूरा सुबह का टाइम आपको लग जाएगा इसके लिए। काफ़ी बड़ा है ये, और अब खाली हाइक करने आते हैं तब भी आपको 1 घंटा तो चाहिए ही चाहिए सिर्फ जाने में। दिखाता हूँ आपको कहाँ पे लोग जाते हैं सनराइज़ देखने। मोस्टली लोग यहाँ पर आते हैं सनराइज़ या सनसेट। राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं जैसे एक पहाड़ी है, वहीं पर लोग हाइक करके जाते हैं। हम नहीं गए थे क्योंकि हमारा इतना हमें आइडिया नहीं था, और हमने प्लान कर रखा था कि हम हिप्पी आइलैंड में जाएंगे, और एक ही दिन था हमारे पास यहाँ पे। ये देखिए वो पहाड़ है जहाँ पे लोग हाइक करके जाते हैं। कहते हैं कि डिफ़िकल्ट है, और ये 5 बजे के ऑलमोस्ट बंद कर दिया जाता है। तो आपको ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि आप अराउंड 11 बजे यहाँ से हाइक करना शुरू कर दें ताकि आप वापस 3-4 बजे तक वापस आ सकें। तो ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना।
देख कितनी ब्यूटीफुल कार्विंग है। तो देख तो सेक्सी है। अब ये रास्ता हमें मिल गया है जो हम्पी स्टोन चैरियट की तरफ जाता है, जो कि आपके 50 रुपीस के नोट में आप देख सकते हैं बैक साइड में मॉन्यूमेंट बना हुआ है, उसको हम्पी स्टोन चैरियट कहते हैं। ये हम पहुंच गए हैं, देख सकते हैं कितने लोग हैं यहाँ पे देखने आए हुए हैं। जो मेरे सामने आपको दिख रहा है यही है हम्पी स्टोन चैरियट, और यही आपके 50 रुपीस के नोट के पीछे बना हुआ है। ये कर्नाटक हेरिटेज का हिस्सा है। ज़्यादा कुछ हो रहा है नहीं यहाँ देखने को, बट उसी को ही देखने यहाँ पे लोग आते हैं, और सारे लोग देख सकते हैं सारे वहीं फ़ोटोज़ दिख खिंचवा रहे हैं अपनी। अब हम वापस जा रहे हैं, हमने प्लान किया था हम हिप्पी आइलैंड जाएंगे, जो हम्पी का एकदम हिप्पी स्पॉट है, और वहाँ पे सुना है बहुत फेमस एक कैफ़े है लाफिंग बुद्धा कैफ़े। काफ़ी चलना पड़ेगा आपको वापस के लिए, अराउंड मान के चलिए 20-25 मिनट आपको वापस चल के जाना पड़ेगा। ये भी तो तिरुभंगा रिवर के क्रॉस करने के बाद हिप्पी आइलैंड आता है। आइलैंड को क्रॉस करके देखिए तिरुभंगा रिवर है ये, और इसको क्रॉस करने के लिए बोट चलती हैं, 50 रुपीस लेती हैं वो क्रॉस कराने के लिए। वैसे तो सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, बट कोई और तरीका है नहीं क्रॉस करने का। ये हमने क्रॉस कर लिया और हम लाफिंग बुद्धा कैफ़े बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल विरूपक्ष टेम्पल देखो सामने से दिख सकता है आपको एकदम। बहुत ट्रैक कर लिया है, कुछ खाने का टाइम है। मैंने एक फलाफल रैप ऑर्डर किया, इसका साइज़ बहुत ह्यूज है जैसे आप देख सकते हैं। मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ और ये वीडियो एंड करता हूँ, और इसके बाद हमने बाइक ली थी, उसकी वीडियो का लिंक ऊपर कहीं आ रहा होगा मेरी वीडियो के ऊपर, तो वो आप क्लिक करके ज़रूर देखें, जिसमें हमने हिप्पी आइलैंड को पूरा एक्सप्लोर किया है और वाटरफॉल तक का रास्ता ढूँढा है जो काफ़ी दूर है। तो वो वीडियो ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लेट्स ट्रिप देसी, एंड सी यू सून फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय।